झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए जगह जगह पर विद्रोह और आंदोलन हो रहे थे। इन विद्रोहों में घटवाल विद्रोह भी प्रमुख है और इसका अपना महत्व भी है। तो दोस्तों, झारखंड में उस समय के अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए जो विद्रोह और आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलनों में घटवाल विद्रोह भी एक प्रमुख विद्रोह है। आप यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, ढाल विद्रोह, इस प्रकार के बहुत सारे विद्रोह हुए। उसके लिए आप लोगों को झारखंड इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो घटवाल विद्रोह है, इसका अपना महत्व भी है। तो यहाँ पर घटवाल विद्रोह के बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं कि क्या है इसके बारे में जो जानकारी। तो जो चैनल में नए आए, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन और अपडेट भी आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड इतिहास में घटवाल विद्रोह के बारे में। पहाड़ियों के रास्तों से महसूल वसूलने वालों को घटवाल कहा जाता था। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये घटवाल जो है उनको देख लेते हैं। तो जो है पहाड़ियों के रास्तों में, यानी पहाड़ियों के बीच में से जो रास्ता होता था, यानी हम लोग उसको घाटी भी कह सकते हैं, तो घाटियों से महसूल, मतलब एक हिसाब से माल लूटते थे, माल वसूल करने वाले होते थे अंग्रेजों से या बड़े बड़े जमींदार साहूकारों से, तो जो महसूल वसूलने वाले थे उन्हीं को घटवाल कहा जाता था। रामगढ़ राज्य के घटवालों द्वारा अपने राजा के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के खिलाफ एक विद्रोह था, जिसे घटवाल विद्रोह कहा गया। तो दोस्तों, ये जो घटवाल विद्रोह हुआ वह उस समय रामगढ़ राज्य में हुआ था, और रामगढ़ राज्य के घटवालों के द्वारा जो रामगढ़ राजा थे उनके प्रति अंग्रेजों के द्वारा जो किया गया दुर्व्यवहार था, उनको अपमानित किया गया था, अत्याचार किया गया था। तो इन्हीं के विरोध में ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया था, जिसे घटवाल विद्रोह कहा गया। तो आपको ये याद रखना है। रामगढ़ राज्य के राजा मुकुंद सिंह ने अपने क्षेत्र पर, अपने राज पर अपना अधिकार जताया, तो मुकुंद सिंह के एक संबंधी तेज सिंह ने भी अपना अधिकार उस क्षेत्र पर जताया। तो अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और उसकी मदद की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अपने राज के लिए, रामगढ़ राज्य के तत्कालीन राजा जो थे मुकुंद सिंह, उन्होंने अपने क्षेत्र पर, अपने राज पर अपना अधिकार जताया कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा राज्य है, ये अपना अधिकार जताया। लेकिन मुकुंद सिंह के ही एक संबंधी, जिनका नाम है तेज सिंह, ये नाम भी याद रखना है, तो तेज सिंह ने भी उसी क्षेत्र पर, उसी राज पर अपना अधिकार जताया कि ये भी मेरा क्षेत्र है, मेरा राज्य है, यह भी तेज सिंह ने कहा। तो इस पर अंग्रेज जो हैं वो मुकुंद सिंह का साथ ना देकर के तेज सिंह का साथ दिए और उसकी मदद की। तो यहाँ पर जो है अंग्रेजों के द्वारा तेज सिंह का साथ दिया गया और उसका मदद भी किए ये अंग्रेजों ने, राजा मुकुंद सिंह को हटाने के लिए, या राजा मुकुंद सिंह का जो है क्षेत्र, जो राज्य, वहाँ से उसको बेदखल करने के लिए अंग्रेजों ने तेज सिंह का साथ दिया। मुकुंद सिंह पर अंग्रेज कैप्टन जेकब कैमक ने दक्षिण की तरफ से और तेज सिंह ने उत्तर की तरफ से एक साथ हमला किया। इससे राजा बचने के लिए वहाँ से भाग निकले। तो दोस्तों, ये जो अधिकार जताने लगे मुकुंद सिंह, तो इससे जो हुआ, तेज सिंह और अंग्रेज दोनों इनके ऊपर में हमला करने का सोचे और इन दोनों ने हमला करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज की तरफ से कैप्टन जेकब कैमक जो थे वो दक्षिण की तरफ से, यानी रामगढ़ राज्य के दक्षिण की तरफ से, और तेज सिंह ने जो थे वह उत्तर की तरफ से, दोनों एक साथ ही हमला किया। तो इससे बचने के लिए, अपने मौत से बचने के लिए डर करके वहाँ से राजा बच करके भाग निकला, क्योंकि यहाँ से बचने के बाद में वो बाद में प्रतिशोध ले सकते थे। तो इसी कारण से इन्होंने वहाँ से भाग निकला। उस समय वहाँ के घटवाल लोग राजा मुकुंद सिंह के वफादार थे, तो आसपास के सभी घटवाल मिलकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे। तो दोस्तों, वहाँ पर उस समय के जो घटवाल लोग रहते थे, वे लोग राजा मुकुंद सिंह के वफादार थे, यानी मुकुंद सिंह को वे अच्छा मानते थे, मुकुंद सिंह से उनको अच्छी हमदर्दी थी, वे लोग उनका वफादार थे। तो इसी कारण से जब देखा इन्होंने कि मुकुंद सिंह पर ये हमला हो रहा है, तो अंग्रेजों का विरोध करने लगे वहाँ के आसपास के घटवाल लोग। तो वहाँ पर जो है आंध्र गरबा घाटी, लोरंगा घाटी और दुनदुना घाटी, ये जो तीनों घाटी हैं, यहीं के घटवाल लोग राजा मुकुंद सिंह के वफादार थे, तो इन्होंने इनका विरोध करने लगा अंग्रेजों का। तो आंध्र गरबा घाटी, लोरंगा घाटी और दुनदुना घाटी, ये नाम भी आपको याद रखना है। राजा मुकुंद सिंह पर आसपास के राज्य के रैयतों ने भी साथ दिया। दोस्तों, बाद में राजा मुकुंद सिंह को वहाँ के आसपास के जो राज्य थे
वहाँ के जो रैयत लोग थे उन्होंने भी राजा मुकुंद सिंह का साथ दिया। तो आसपास के जो राज्य थे उसमें से छई और चंपा, ये दो राज्य थे, यहाँ के लोग भी उन्हों मतलब रैयतों ने साथ दिया। छई और चंपा, ये नाम भी आपको याद रखना, इन्होंने भी राजा मुकुंद सिंह का साथ दिया। घटवालों का विरोध और संगठन देखकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, परंतु छोटे मोटे युद्ध और विरोध हुआ। दोस्तों घटवालों का जो विरोध और संगठन था इससे तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, अंग्रेजों के साथ में युद्ध की स्थिति हो ही गई थी कि युद्ध होगा ही, लेकिन छोटे छोटे युद्ध हुआ और विरोध भी हुआ। अंग्रेजों के समझाने बुझाने से घटवाल लोग शांत हो गए। घटवाल रैयतों को लगा कि अब मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकते, तो वे सब लोग मिलकर फिर अपने अपने कामों में लग गए। दोस्तों बाद में अंग्रेजों के द्वारा समझाने से बुझाने से घटवाल लोग शांत हो गए, यानी कि युद्ध की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो ज़्यादा बड़ी हुई नहीं, और इनको जब अंग्रेजों के द्वारा समझाया गया तो ये लोग समझ गए और शांत हो गए, यानी कि विद्रोह नहीं हुआ अब। और घटवाल रैयतों को लगने लगा कि अब मुकुंद सिंह फिर से दोबारा राजा यहाँ पर नहीं बन सकते, तो फिर इनका जो नेतृत्व था वो भी कम हो गया, तो इसी कारण से ये लोग अब अपने अपने कामों में लग गए। यह विद्रोह बिना किसी बड़े युद्ध के ही समाप्त हो गया। बाद में अंग्रेजों के द्वारा घटवालों को कई रियायत दी गई। दोस्तों जब सब कोई अपने अपने कामों में लग गए तो ये बिना किसी बड़े युद्ध के ही यह घटवाल विद्रोह समाप्त हो गया, और बाद में जो है अंग्रेजों के द्वारा घटवालों को कई रियायत दी गई, मतलब कई प्रकार के छूट दिए गए। उसमें जो अत्याचार होते थे, जो भी कर्ज होता था, जो लगान वसूलते थे, उसमें से कुछ कुछ चीज़ों में कमी कर दिया गया, और इनको जो है बहुत सारे रियायतें मिल गई अंग्रेजों के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है ये घटवाल विद्रोह बिना युद्ध के ही समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा इनको रियायत दी गई जिससे वहाँ के लोगों को थोड़ी सी आसानी होने लगी ज़िंदगी जीने में। तो इस प्रकार से घटवाल विद्रोह जो था वह मुकुंद सिंह के द्वारा और वहाँ के घटवालों के द्वारा और साथ साथ रैयतों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा थोड़ा लड़ाया गया और उनका विरोध जताया गया। तो इस प्रकार से घटवाल विद्रोह जो है रामगढ़ राज्य में प्रचलित था, और राजा मुकुंद सिंह वहाँ के उस समय राजा थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों रामगढ़ राज्य के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के भी देख सकते हैं, वहाँ भी रामगढ़ राज्य के बारे में बताया गया है, वहाँ पर किस प्रकार के राजा जो हुए, कौन कौन राजा बने वो भी, और कहाँ कहाँ राजधानी थी ये बताया गया है। तो आप लोग पूरी जानकारी को देख सकते हैं।